This call is now being recorded. Okay guys, so today we start our class of chapter 2, Netzwerk Neue A1. Okay, topic name is Meine Hobbies und Meine Freunde. ठीक है, Meine Hobbies means होता है my hobbies and मेरे दोस्त. Okay, मेरे दोस्त. ये chapter last topic ही हमने class में कर लिया था. मैं आपको main topic बता देता हूँ इसमें क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अगर आपको doubt होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो. ओके, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. ओके, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेर्बन उंड पर्सोनल प्रोनोमन. क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी हम? वेर्बन उंड पर्सोनल प्रोनोमन. ओके, वेर्बन उंड पर्सोनल प्रोनोमन. ओके, सो आप मुझे बताइए वर्ब कितने टाइप की होती हैं? रेगुलर होती है आपकी और एक होती है आपकी इरेगुलर. ओके, ई एस टी टी ई एन टी ई एन लगेगा इसके साथ. क्या लगता है जानिया? इश ई इश कोखा, जस्ट रिपीट, इश कोखा, इश कोखा, डू कॉक्स, एर एस जी कॉक्स, एर एस जी कॉक्स, एर एस जी कॉक्स, वियर कोखन, वियर कोखन, वियर कोखन, ईयर कॉक्ट, ईयर कॉक्ट, जीजी कोखन, जीजी कोखन. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ब कौन सी है? कोखन मींस क्या होता है गाइस? टू कुक. वेरी गुड. नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? अरबाइटन. नेक्स्ट वर्ड है आपका अरबाइटन. ओके, सो अरबाइटन मींस क्या हो रहा है? टू वर्क. ओके, अरबाइटन मींस होता है टू वर्क. ओके गाइस, जस्ट एक सेकंड. अरबाइटन मींस होता है टू वर्क. ओके, इश अरबाइटर, रिपीट, इश अरबाइटर, डू अरबाइटेस्ट, ठीक है, एर जी एस आर्बाइटेड, एर एस जी आर्बाइटेड, वियर आर्बाइटन, वियर आर्बाइटन, ईयर आर्बाइटेड, ईयर आर्बाइटेड, ईयर आर्बाइटन, जी जी आर्बाइटन, जी जी आर्बाइटन, जी जी आर्बाइटन. इसमें जो डू के साथ, जो हमारा डू के साथ क्या लगती है कॉन्जुगेशन? एसटी लगती है, बट यहाँ पर लगती है ईएसटी. ईएसटी लगी है क्योंकि ये एक इररेगुलर वर्ब है. ठीक है, इररेगुलर वर्ब है. नेक्स्ट आता है लेजन. लेजन मींस रीड. ओके, लेजन मींस टू रीड. ओके गाइस, सो इस लेजर, ये आपकी इररेगुलर वर्ब है सेकंड वीक. इस लेजर, इस लेजर, इस लेजर, डू लीस्ट, लेजन मींस क्या होता है गाइस? सो इमरान, इश आपको एक एक करके रीड करने सारे. इश या जस्ट स्पीक या
spricht. Du sprichst. Sie spricht. Sie spricht. Okay. Wir sprechen. Next. Ihr spricht. CG sprechen. Wir sprechen. Ihr spricht. ZZ expression. Guys, जब भी आपका irregular verb होगा तो main change इसमें आएगा आपका. किसमें आएगा? Main change आपका only इसमें आएगा. Is there any doubt? No, sir. Okay. ये main change आपका do में और इसमें आएगा. एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर. Chapter number second, ठीक है. हमने यहाँ पर टेबल बताई थी. या ओके सो वर्ब होती है टू टाइप की. जो कॉकन है आपकी, क्या वर्ब है? रेगुलर वर्ब है टू कुक. ओके आरबाइटन कौन सी वर्ब है? इरेगुलर. लेजन कौन सी वर्ब है आपकी? इरेगुलर. इरेगुलर वर्ब है. कौन सी है? इरेगुलर वर्ब. ठीक है. एक्सप्रेशन कौन सी वर्ब है? इरेगुलर. और स्प्राकन, स्प्राकन मींस होता है लैंग्वेज. ठीक है. एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे ई लग रहा है, यहाँ पे ए लग रहा है. एक्सप्रेशन मींस होता है टू स्पीक और स्प्राकन मींस होता है लैंग्वेज. ओके गाइस देखो आपको इसमें क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ एक करके. ओके सो जानिया प्लीज रीड फर्स्ट वन. एनी लस्टिक सिंह डू आउट सो गुड. ओके अच्छा आप ये बताइए, जिंग मतलब होता है टू सिंग. ठीक है. जिंगन मतलब क्या होता है? टू सिंग. टू सिंग. आप मुझे ये बताइए कि सिंगिंग कौन से इमेज में हो रही है? ऊपर, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में? फोर्थ में. फोर्थ में. आपको यहाँ पे इमेज नंबर लिखना है फोर्थ. लुस्टिक जिंग. अब आ रहा है दू. दू के साथ कॉन्जुगेशन क्या आएगी? एसटी. तो यहाँ पे क्या आ गया? जिंग. दू आउट सो गुड. लुस्टिक मींस होता है फनी. लुस्टिक मींस फनी. फनी. सो आपको कंप्लीट ऐसे करना है. इसे आप पढ़ोगे ना तो आप इसे ऐसे कर पाओगे. इज देयर एनी डाउट इमरान एंड जानिया? सर. ओके एंड नीता एंड मरियमा आपको शायद डाउट नहीं है, करेक्ट? यस सर. यस सर. ओके जो अभी मेन टॉपिक आज हम करते हैं, मेन क्लास स्टार्ट. गेहन वियर इन स्कीनो, व्हाट डज इट मीन इमरान? सर गो टू सिनेमा. ओ या वेरी गुड. गो वी लाइक डू वी गो टू इन सिनेमा. ओके नेक्स्ट नीटा बिटल एजेंसी फोर फियर आ सर. या फोर ऑरेंज सी डस गेस जेस्प्रेच गेस्प्रेच. या वॉन गेहन सोफी उन बेटी इन स्कीनो. ओके सो व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या हुआ? और उनको कब जाना है सिनेमा के लिए ये बताना है. ठीक है. तो अभी हम वीकडेज करते हैं. क्या करते हैं अभी? वीकडेज. वीकडेज. मोंटाग मींस होता है मंडे. मोंटाग मींस मंडे. या प्लीज ये हेडिंग का मीनिंग बताना. ये जो गेहन वेयर इन स्कीनो इसका मीनिंग क्या है? मैं बताता हूँ. वन मींस क्या होता है? व्हेन. व्हेन. वन मींस होता है व्हेन. ठीक है. गेहन मीन्स क्या होता है जानिया?
टू गो सोफी उन बैटी एक नेम है ठीक है और तीनों क्या है सिनेमा क्या है सिनेमा ठीक है इसका मतलब है व्हेन डू सोफी उन बैटी गो टू सिनेमा ओके इन्स का मतलब इन होता है इन्स का मतलब इन होता है अब ये एक प्रेपोजिशन है जब हम इन फ्यूचर में प्रेपोजिशन चैप्टर करेंगे तब ये आपको समझ में आएगा बट अभी के लिए करेक्ट है इन्स का मतलब इन होता है ठीक है लॉजिक सारे वहां पे मिलेंगे अभी आपको मीनिंग बता दिया है ओके सो अभी हम करते हैं वीकडेज मोंटाग मींस मंडे डिनस्टाग मींस ट्यूसडे मिटवॉक वेडनेसडे आपको रीड करने हैं फर्स्ट ओके इमरान फर्स्ट आपको रीड करना है इमरान सारे वर्ड रीड करने हैं आपको स्टार्टिंग से मोंटाग या मोंटाग मींस मंडे डिनस्टाग ट्यूसडे मिटवॉक वेडनेसडे डोनस्टाग थर्सडे फ्राइटाग फ्राइडे सैमस्टाग सैटरडे एंड सोनस्टाग संडे वेरी गुड डोनस्टाग थर्सडे नेक्स्ट नीटा आपको रीड करना है यस सर रीड करने हैं आपको सारे वर्ड फर्स्ट मोंटाग मंडे डिनस्टाग ट्यूसडे मिटवॉक वेडनेसडे डोनस्टाग थर्सडे फ्राइटाग फ्राइडे सैमस्टाग सैटरडे Sonntag Sunday Okay Mariamma your turn Yes sir Montag Monday Dienstag yeah. Tuesday Mittwoch yeah. Wednesday Donnerstag Thursday Friday Samstag Saturday Sonntag Sunday Very good Next Janya you please Montag Monday Dienstag Tuesday Dienstag, okay. Dienstag, Tuesday, Mittwoch, yeah. Wednesday, Donnerstag, yeah. Thursday, Freitag, yeah. Friday, Samstag, Saturday, Sonntag, Sunday. Okay, is it clear? देखो. Yes, sir. Next, yeah, next आता है जब भी ये days आएंगे आपको preposition क्या लगानी है आपको preposition लगानी है am क्या लगानी है हाँ लगानी कैसे वो मैं आपको अभी बताऊंगा उससे पहले आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज ये है आपको ये बताना है कि सोफी उन बैटरी की वन स्मॉल ऑडियो आपको उसका आंसर करना है एवरीवन इज इट फाइन यस सर इट्स वेरी गुड क्या कर रहे हैं दोबारा बताना मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में ये था कि सोफी उन बैटी कब जाना चाहते हैं किनो में करेक्ट जी हाँ जी हाँ सो मैं एक ऑडियो प्ले करूंगा आपको उसे सुनना है और ये बताना है कि वो एक्चुअल में कब जाना चाहते हैं ठीक है ओके सर हमारा यही तो टास्क था ना उसमें लिख तो रहा है ह्यूरन जी दास गेस्ट फ्रेश लिसन द कन्वर्सेशन वन गेन सोफी उन बैटी इन स्कीनो When do Sophie and Betty go to in cinema? Okay, ये हमारा टास्क है आपको जो भी आंसर है अगर फॉर एग्जाम्पल डोनस्टाग है तो आपको यहाँ पे डोनस्टाग पे टिक कर देना ये हमारा आंसर है लाइक दैट ओके गाइज आई विल प्ले ऑडियो ओके ऑडियो नंबर इज फर्स्ट Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Am Samstag? Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. Okay, I will play one more time. Sir. What? Sir, समझ आ गई ना? हाँ, अभी एक और बार कर दे, बाकी और भी है, गाइस, बड़ी. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Am Samstag? Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Answer? Mittwoch. Mittwoch. Mittwoch, sir. Hamara answer, yo.
वेरी वेरी गुड. ओके नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं फ्यूनफा इमरान बेटा लेजन जी 4. ओके सर लेजन जी 10 डायलॉग या सो स्वाइट आफ्टर आफ्टर जी एफ डी सट मेलोडी जात मेलोडी. ओके सो जात मेलोडी हो गया सर. ये डायलॉग मैच करना है सर, रीड करना है आपको डायलॉग और आपको अपने जो बोलने का सेंटेंस मेलोडी है वो भी आपको ध्यान रखना है. Actor means होता है टू माइंड समथिंग, टू बी अटेंटिव, टू वॉच समथिंग केयरफुली. ओके सो नीता आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ोगे, देन मरियम्मा, देन जानिया. ओके या प्लीज फर्स्ट वन गेहन गेहन जी मींस इन या इसका मीनिंग गेहन मतलब टू गो बियर मतलब बी इनकी मतलब सिनेमा सिनेमा में कब जाना है. वेरी गुड. ओके मरियम्मा नेक्स्ट जागन वन मीनिंग यस यस आई विल या यस ग्लैडली वन मींस होता है व्हेन. अभी मैंने आपको बताया था व्हेन. जानिया सेकंड और थर्ड आम सैमस्टेग मीनिंग मतलब इट मींस ऑन सैटरडे या देन नी दास गेट लीडर निक लाइडर मींस होता है गाइस अनफॉर्चूनेटली. क्या होता है अनफॉर्चूनेटली इसका मीनिंग है दास गेट लाइडर इज like that does not work unfortunately well. okay das get laden is okay then imran next two sentence network yeah you yeah. okay meaning sir wednesday ko okay yes good super means super. Hoda, super okay super super sir. Is there any doubt? No sir. Okay. So अभी एक हम छोटा सा एक्टिविटी करते हैं, उससे पहले भी मैं आपको बता देता हूँ. जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे और वो आंसर हमें यस और नो में देगा तो उसे बोलते हैं हम या नाइन फ्रागा. या नाइन फ्रागा मीन्स यस नो क्वेश्चंस. तो उनसे कैसे पूछेंगे हम, उनसे पूछेंगे जो पूछने का तरीका है आपका वो है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल ठीक है फॉर एग्जांपल गेहन वियर इंस किनो ठीक है लाइक डू वी गो टू इंस थिएटर. अगर हमें आंसर देना है यस तो या ठीक है, अगर नाइन बोलना है नो हमें नहीं जाना नाइन. ओके गाइस उसके बाद आम जाम अगर हमें कोई डे बोलना है कि सैटरडे को चलना है या एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा वन वन मींस व्हेन व्हेन व्हेन. ओके आंसर आम आम एनीथिंग और आपका डे जो आंसर दे जाना है आम-जाम-स्टाक. ओके ऐसे करके आपको करना है. इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर. ओके फॉर एग्जांपल जस्ट रीड वंस दी ऑल दीज वर्ड्स. ओके एवरीवन हां ओके फर्स्ट थ्री वर्ड इमरान आपको पढ़ने हैं फर्स्ट थ्री वर्ड एंड नेक्स्ट थ्री वर्ड नीता आपको रीड करने हैं. सर इंस रेस्टोरेंट इंस कैफे या इट्स okay. जिम स्विम बाथ इन रेस्टोरेंट मींस स्विम बाथ. ओके गाइस इन रेस्टोरेंट मींस कैफेज मींस कैफे. ओके
या इन स्विम बाद मींस स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल ओके ओके या नेक्स्ट नीता आपको रीड करने तीनों वर्ड इन स्टेडियम इन थिएटर इन म्यूजियम या ओके मीनिंग स्टेडियम स्टेडियम है या थिएटर मतलब थिएटर है पिक्चर्स का एंड म्यूजियम मींस म्यूजियम है ओके सो आपको जो क्वेश्चन बनाना है मरियम एंड जानिया आपको क्वेश्चन बनाना है मरियम आपको क्वेश्चन पूछना है जानिया से लाइक गेहन वियर जहाँ भी आपको जाना है इनसे रेस्टोरेंट जाना है इनसे काफे जाना है इन स्विम बाद ठीक है जानिया आपको बोलना है अगर जाना है तो या अगर नहीं जाना है तो ना ही अगर आप बोलते हो या तो आप पूछ आपको पूछना और देन मरियम आपको बताना है कब जाना है आम लगाकर वो डेट बताना है शाम स्टार घंटा घंटा लाइक दैट ओके सो मरियम यू प्लीज स्टार्ट ओके ओके गेहन वेयर इन स्विमिंग स्विम बाथ या वेरी गुड या गेन वन कब के लिए क्या बताना है डे बताना है हाँ सो वन मैंने वो जानिया ने बोला तो था वन व्हेन सो आपको बताना है आम जाम स्टार उदन या अच्छा ठीक है सर फिर से पूछ रहा हूँ सॉरी गेहन गेहन गान होगा व्हाट वन बाय वन क्या होगा जी ई आर एन वाला या गेन आप या गैन भी बोल सकते हो या भी बोल सकते हो नो प्रॉब्लम ओके जैसे यहाँ पे लिखा वन या गैन वन आप ये वाला इसे फॉलो करिए ठीक है आप इसे फॉलो करिए ये जो लिख रहा है ऊपर ठीक है बस आप इन स्कीनों की जगह आप और कुछ लगा दीजिए यहाँ पर और आपका सेम सेंटेंस बन सकता है ओके सो मरियमा वन मोर टाइम गेन बियर आप कुछ और वर्ड बोलिए यहाँ पर ठीक है गेन बियर इन स्टेडियम स्टेडियम या गेन वन एम मिटवॉक मरियमा हाँ सर जानिया जानिया आपको नेक्स्ट सेंटेंस बोलना है एम मिटवॉक हाँ हाँ आप यस आपने बोला है जानिया नेक्स्ट नी दास गेट लाइटर नाइट निस्ट निस्ट एम सैमसंग एम सैमसंग या सुपर सुपर या सुपर अगर आपको लग रहा है कि हाँ या सुपर अगर लग रहा है कि जा सकते इस दिन ओके बोलिए फोर सेंटेंस का मीनिंग क्या है ये नी वाला वन टू थ्री नी नी मींस होता है नोप दास गेट लाइटर निस्ट like that does not unfortunately go well okay lider matlab hota unfortunately nist matlab hota not okay so neeta and imran theek hai neeta aapko question puchna hai then imran aapko next sentence bolna hai then neeta then imran yeah imran gehan veer in scared M Sandstrand. Yeah, one. No, wait. Galat ho gaya. First, pehle se bolti. Imran, Gehan Veer in Scarpe. Zagan, yeah, one. M Sandstrand. Yeah, one. Sir, teen mujhe puchna hai na. Yeah, jo par. Nahi, 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 nahi. Ek saath ek pucho na. Wait. नीता आपको जो सर्कल वाला है ना वो बोलना है इमरान आपको जो डार्क वाला है वो आपको बोलना है वन बाय वन ठीक है ओके सर ओके सर नाउ स्टार्ट इमरान गेहन वीर इन कैफे या वन एम मिटवॉक या जोकर ओके आपने डायरेक्ट खत्म कर दिया एक बार आप मतलब इवन मना भी करेगी मना भी करना है क्वेश्चन रिपीट नेक्स्ट टाइम वन मोर टाइम या फर्स्ट वन से बोलूं सर यस स्टार्टिंग से इमरान गेहन वीर इन कैफे
नहीं पूरा बोलो, नाइट पी डेस गेहन नाइट ऐसा बोल या सकते हैं। नाइट डस गेट लाइडर नाइट। नीटा आप बोलिए, ओके आप मिट वॉक। एम मिट वॉक या सुपर गाइस, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके नेक्स्ट आपको करना है, मतलब मुझे बताना है, नेक्स्ट टॉपिक इज एनीवन रीड दिस माइन बेरू। माइन बेरू, माइन बेरू, माइन बेरू। माइन बेरूफ मींस होता है माई ऑक्यूपेशन। वेरी गुड, माई ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन। ओके या ओके, सो नेक्स्ट नीटा आपको रीड करना है। जैक्स आ, जैक्स है, वॉज पास जू डेन बेरूफ एन ए टू बी या और देन ऑर्डन एन जी डू म्यूग्लिस काइटन मीन्स पॉसिबिलिटीज। ओके possibilities was passed through then berufen pass means hota to suit okay matlab okay meaning kya hua guys iska to fit to suit okay sir what what occupation do fit in A to D yeah very good very good as gift mehrera muglis kaiten meaning mehrera means hota hai several mehrera means several okay so meaning sir gift ka matlab kya hai as gift as gift there are so many possibilities okay there are so many possibilities okay guys is it clear or not janya maryamma yes sir okay so aapko kya karna hai ha aapko kya karna hai main batata hu चार ने इसमें बेरूफ दिए हुए हैं, प्रोफेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट इज टैक्सी फारर होता है ड्राइवर, ठीक है। नेक्स्ट बेरूफ ये रहा, नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट ये रहा, ठीक है। और कुछ नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, टैक्सी फारर आप मुझे ये बताइए, जो टैक्सी ड्राइवर होता है इसमें से क्या क्या यूज़ करता है वो डेली बेसिस पर अपने प्रोफेशन में, वो क्या क्या यूज़ करता है? ऑटो यूज़ करता है, यस और नो? यस यस सर। ठीक है, तो आपको ऐसे बताना है, हाँ आपको ऐसा बताना है कि दास ऑटो फॉर टैक्सी फारर। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है सोल्यूशन, सोल्यूशन मींस होता है की, सोल्यूशन मींस की। ओके तो ये की यूज करता है और नॉट, यस और नो? यस यस सर, यस सर। ओके दी स्ट्रासा, दी स्ट्रासा स्ट्रीट। ओके अच्छा ये बताइए कि टैक्सी फारर स्ट्रीट इस तरह से यूज करता है या नहीं? हाँ तो आपको ऐसे बताना है कि टैक्सी फारर क्या क्या करता है, स्टूडेंट क्या क्या करते हैं, एस्टिन क्या क्या करते हैं, कैलनरिंग कैलनर क्या क्या करता है। ओके इज इट क्लियर एवरीवन? और इनका मीनिंग भी बताना है क्लास में, ठीक है। जानिया जानिया फर्स्ट वाला आपका है, ठीक है। मरियम्मा सेकेंड वाला आपका है, नीटा थर्ड वाला आपका है, इमरान लास्ट वाला आपका है। ओके ओके सर। तो आपको आपको अपना अपनी प्रोफेशन का बताना है कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मेहरेरा म्यूग्लिस काइटन, ओके
जस्ट गिव मी अ मिनट, आप इतने कीजिए ठीक है, जस्ट गिव मी अ So guys, yeah, sorry, yeah, Janya, please, first one. Das Auto. नहीं नहीं आपको पहले इसका नेम पढ़ना है. Fabian.
Hoflinger. Yeah. Taxi फायर means? Taxi driver. Okay, ये क्या क्या use करता है अपने profession में? Das Auto. Okay. Das Geld. Okay. Dies Raze. Very good. Der Schlüssel. Der Schlüssel. What does it mean? आप सबका meaning बताइए एक बार. First का तो car हो गया. Yeah. Second money. Very Third good. Third road. Fourth. Yeah. Key. Everyone, is it fine? Yes, yeah. Sir. Second one, Mariamma, your turn. Next, Bey. Yes, sir. Amina. आप सभी meaning लिखना हाँ. Yeah. Okay. Amina Mazin Studentin. Sir, Amina Mazin Studentin. Studentin means. Okay, very good. Student. Sir, उसका आएगा their swift मतलब the pen. Their stift. ये spelling है S T I F T. Okay, stift. Achha. Stift means. Stift. The pen. Okay, next. Okay. Their computer मतलब the computer. Very good. Next. The book. Book. Very, very good. Okay. Is there anything else? No, sir. Okay. Next. Okay. Nita, your turn. Yes, sir. See, yeah, Magda, yeah. Donna, and yeah. The team. Magda, Donna, Aston. Yeah. Aston. Yeah. Okay. Doctor. Yeah. So see, क्या see you, तीन चीज आएगी उसमें दास medicament. 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 Medicament means medicine. Okay. Medicines. The medicines. Yeah. Second okay. आएगा die spritz. The spritz. The syringe. The spritz. The spritz. Very okay. good. Next. Syringe. The tablet. Very good. The tablet. The pills. Okay. Anything else? Nita, anything else? नहीं सर इतना ही आएगा. Okay. Day है आपका इमरान. Leon Zupe. Kellner, sir. Kellner means? Waiter. Very good. So, answer? Yes, sir. Das Geld, Das Glas, and, sir, okay. Die Richtung. Die? Sir, isko kya bolenge? Richtung? Rechnung, everyone Rechnung, okay? आप mute पर एक बार बोल के देख लीजिए, ठीक है? Rechnung, anything else, buddy? No, sir. Okay, buddy, इसका geld आएगा या नहीं? अच्छा, आ गया, आपने कर दिया, ठीक है? जानिया, first का ये आएगा या नहीं? आप बताइए, Rechnung, bill? First का? नहीं ये बिल तो लास्ट में आएगा डी में काफी बार टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं वो बिल्स देते हैं ना जो भी अमाउंट होता है ओके मेन आपको मीनिंग तो समझ में आया ना सबका यस सर एवरीवन इज इट फाइन यस सर ओके नेक्स्ट हम करते हैं आपका जो डाउट था इमरान फर्स्ट अभी जो आपका डाउट था वो हम उसे क्लियर करते हैं ठीक है चैप्टर नंबर ओके सो हाँ गाइस आप इस टॉपिक को अच्छे से समझोगे ठीक है दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और ये पूरी जर्मन इस पे टिकी हुई है ठीक है
सो इसे आप अच्छे से इसे करोगे। हम पढ़ने वाले हैं अभी बेस्टिमटर आर्टिकल। क्या पढ़ने वाले हैं? बेस्टिमटर आर्टिकल। ओके, बेस्टिमटर मीन्स होता है डेफिनेट। क्या हो रहा है? डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे लिखी रहा है आर्टिकल। तो हम पढ़ने वाले हैं बेस्टिमटर आर्टिकल और बोल दो डेफिनेट आर्टिकल। ओके, सो जो आर्टिकल होते हैं जो वो होते हैं मेन जो होते हैं देयर दी दास। कौन कौन से होते हैं? देयर दी दास। ओके, देयर दी दास होते हैं। ये हमारे चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है दैट इज मैस्कुलिन। क्या होता है? स्कूलिंग मैस्कुलिन। स्कूल सेकेंड होता है नॉइट्रूम। क्या होता है गाइस? नॉइट्रूम आप भी बोलिए सब नॉइट्रूम जानने। या नॉइट्रूम। नॉइट्रूम ओके, फेमिनिन या नेक्स्ट होता है फेमिनिन। फेमिनिन ओके, नेक्स्ट होता है प्लूरल। नेक्स्ट होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। प्लूरल अगर हमारा आर्टिकल मैस्कुलिन रहेगा, मैस्कुलिन मतलब मेल रहेगा, तो क्या आएगा आर्टिकल हमारा? आएगा देयर। क्या आएगा? देयर। देयर अगर नॉइट्रूम रहेगा तो हमारा आर्टिकल आएगा दास। क्या आएगा? दास। ओके, वेरी गुड। दास। अगर फेमिनिन रहेगा आर्टिकल आएगा दी। ओके, आर्टिकल आएगा दी। और अगर प्लूरल रहेगा आर्टिकल क्या आएगा आपका? दी। क्या आएगा डी गाइस? क्या आएगा? दी। डी वेरी गुड। ठीक है, अभी क्या होता है? अच्छा आप बताइए स्टिफ्ट क्या होता है? स्टिफ्ट हमने अभी वर्ड पढ़ा था। स्टिफ्ट सर स्टिफ्ट मतलब क्या होता है? आप अपनी नोटबुक में पेन देख, पेन द पेन होता है। पेन पेन सर। हाँ पेन होता है। रुकिए, अब ये बताइए मेल है या नॉन? मैस्कुलिन मतलब होता है मेल, ठीक है। नॉइट्रूम मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। क्या होता है? नॉन लिविंग। फेमिनिन मतलब होता है फीमेल, ठीक है। और प्लूरल आपका प्लूरल होता ही है, ठीक है। मेल ये हो गया। अच्छा अब जर्मन क्या बोलता है? जर्मन ये बोलता है कि जो स्टिफ्ट है आप बताइए लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, लेकिन इसके आगे तो लिविंग। देर लगा हुआ था। अभी रुकिए बड़ी, रुकिए मुझे कंप्लीट तो करने दो यार, ठीक है। सो स्टिफ्ट होता है नॉन लिविंग होता है, बट जर्मन बोलता है कि आपका मैस्कुलिन है। क्या बोलता है? ये आपका मैस्कुलिन है, तो हमारा इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, इसमें आएगा। आप उसकी अगर मैंने बोला है आपको बोला है बुक, बुक क्या है? लिविंग नॉन नॉन लिविंग, लिविंग ठीक है। नॉन लिविंग। आपको अकॉर्डिंग टू द जर्मन इसे याद करना पड़ेगा कि ये मैस्कुलिन में आ रहा है, नॉइट्रूम में आता है, फीमिनिन में आता है या प्लूरल में आता है। अगर स्टिफ मतलब पेन होता है, ये नहीं कहोगे आप कि सर ये सांस तो ले नहीं सकता, ये नॉइट्रूम में आना चाहिए, तो ऐसा हम नहीं कहेंगे। अकॉर्डिंग टू द जर्मन जैसा भी उन्होंने माना हुआ है उसे हम आपको याद करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो बुक जर्मन बोलती है जो बुक है वो आता है नॉइट्रूम में। ओके, बुक आता है नॉइट्रूम में। नेक्स्ट आता है टाबलेटा। नेक्स्ट वर्ड है टाबलेटा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जर्मन बोलती है ये एक फेमिनिन है। क्या है ये? तो पर्टिकुलर वर्ड याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटली डिफरेंट है यस इंग्लिश से। यस नीता मरियमा इमरान एंड जानिया, आपको ये पर्टिकुलर याद करना पड़ेगा। कोई इसका लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि क्या कुछ शॉर्टकट है,
अगर ये आएगा तो हम इस वे में याद कर सकते हैं वर्ड्स को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्लूराल, प्लूराल फॉर एग्जांपल ब्यूशर, ठीक है। बुक का प्लूरल क्या होता है? ब्यूशर। क्या होता है बुक का? ब्यूशर। बुक ब्यूशर। अगर प्लूरल हो जाएगा तो आर्टिकल क्या आएगा? दी, ठीक है। अगर सिंगुलर रहेगा तो आर्टिकल क्या रहेगा? ओके। इज देयर एनी डाउट गाइस? नो सर। एवरीवन ओके, देयर इज नो डाउट, वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम अपनी बुक्स पर, ठीक है। आपको क्या करना है, ठीक है, देयर के वर्ड आपको एक जगह लिखने हैं, दास के वर्ड एक जगह लिखने हैं, दी की वर्ड एक जगह लिखने हैं। दास इस कहीं कहीं पर दास है, कहीं पर दी है, कहीं पर देयर है, तो सबको आपको पर्टिकुलर वर्ड लिखने हैं और मुझे टेबल बतानी है। आपके पास 2 मिनट्स है, देन वी विल स्टार्ट। इज इट क्लियर और नॉट? अगर देखो मैं बताऊं कैसे, अगर है वर्ड है आपका देयर स्टिफ्ट, देयर आर्टिकल क्या है इसका? देयर, तो देयर वाली टेबल में लिखना है स्टिफ्ट, ऐसे करके। नेक्स्ट वर्ड है ऑटो, ऑटो का आर्टिकल क्या है? दास, तो आपको यहाँ पे लिखना है दास। ओके, जस्ट डू एंड लेट मी नो। Once done, so let me know. Yes, sir. Okay, very good. ठीक है, हम एक काम करते हैं, ऐसे तो काफी confusing हो जाएगा, तो everyone done? Sir. Okay. So हम अलग अलग color ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है guys? पहला है there जो होगा वो मैं red color से mark करूंगा, ठीक है। So, आप बताइए देयर का आर्टिकल कौन कौन, मैं देयर कौन कौन से वर्ड है? ओके, नेक्स्ट है देयर सॉल्यूशन, और क्या बचा? ओके, नथिंग। अब आप नेक्स्ट बताओगे दास, एवरीवन सभी को बोलना है दास का। दस ग्लास, दस मेडिकमेंट, एवरीवन इज इट फाइन? यस। ओके सर, नेक्स्ट वर्ड है दी, दी दी स्ट्रासे, स्ट्रासे दी रेसुंग, रेसुंग जानिया आपको भी बोलना है, टैबलेट रेक्नम, टैबलेट tablet, the tablet, this visa, the ration, this class, sir. Everyone, is it fine? Yes, sir. Okay, very good. अभी second आपका doubt था कि अगर सर ये हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कि आर्टिकल क्या है, ठीक है। आपने एक वर्ड सर्च करा बुक, हमने सर्च करा बुक, बुक के ब्रैकेट में क्या वर्ड लिखा हुआ है? एन। एन, एन मीन्स क्या होता है? Neutrum. Neutrum का आर्टिकल क्या रहता है? Das. Very good. Das. Everyone, is it clear or not? Yes, sir. Okay, सबसे ऊपर ग्रे कलर की लाइन में लिख रहा है दास बुक और दी ब्यूशर। अगर देखो सबसे ऊपर लिख रहा है दास, अगर सिंगुलर रहेगा दास, अगर प्लूरल इसका क्या रहेगा? दी ब्यूशर। हम एक और वर्ड सर्च करते हैं, वर्ड है आपका आउटो। क्या वर्ड है? आउटो। आउटो इसका आर्टिकल क्या लिख रहा है इसमें गाइस? एन, नॉइट्रोम। एन, नॉइट्रोम मतलब नॉइट्रोम। इसका प्लूरल क्या होगा?
outdoors क्या होगा? ओके वेरी गुड. इज इट क्लियर एवरीवन? एक वर्ड और सर्च कर देते हैं, एक वर्ड और सर्च करते हैं हम करते हैं स्टिफ्ट. स्टिफ्ट मींस क्या होता है? स्टिफ्ट पेन. पेन सर. पेन पेन पेन. ओके स्टिफ्ट मतलब पेन. आर्टिकल क्या रहता है स्टिफ्ट का? मैस्कुलिन. मैस्कुलिन देयर. ओके गाइस देयर मैस्कुलिन हो गया. ठीक है अब आ जाते हैं नेक्स्ट. इज देयर एनी डाउट एनीवन? हां सर. ओके हो सर. नेक्स्ट जानिए आपको से वाला पार्ट रीड करना है इसका. से नॉटी देन जी या प्योर जेडन आर्टिकल येडन येडन जेडन जेडन आर्टिकल फ्यून्स वीतर नॉमन जूशेन जी जूखन ऑफ जूखन जी ऑफ Then, Len Ward, Skarzin. Len Ward, Ward Sat Saiten. Im? Sat Saiten. Im? Ubungush, Von, Capital. Van to nahi bolenge, isko Ains. Ains, yeah, Ains, Un, Zwei. Zwei, Verglischen. Verglichen. Verglichen. C. M. Kurs. Okay. इसका मीनिंग क्या हुआ? Guys, इसका मीनिंग. Notarian means होता to note. To note each and every. आर्टिकल या आपको क्या करना है? नोटेरियल फ्यून फाइटर नोमन. आपको हर आर्टिकल का जैसे देयर है पांच फर्दर नाउन ढूंढने हैं. जूखन जी ऑफ देन लैंड बोर्ड साइटन इन यूबुंग्स बुक. और वर्ड कहाँ सर्च करने हैं आपको? यूबुंग्स जो आपकी सेकंड बुक है ना आपको वहाँ सर्च करने हैं. कहाँ से सर्च करने हैं? चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से. और क्लास में कंपेयर करना है. ओके इज इट फाइन और नॉट? यस सर. ओके सो देखो अली आपको अपनी बुक उठानी है. सॉरी नॉट अली इमरान. इमरान आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट अपनी यूबुंग्स बुक उठानी है. कोई पांच वर्ड आपको क्लास में बताना है. ठीक है देयर के दास का नीटा आपको बताना है. ठीक है नीटा आपको बताना है. और दी का मरियम्मा एंड जानिया आपको पांच पांच वर्ड बताने हैं दी के. ठीक है आपके पास टू मिनट्स हैं, टू और थ्री मिनट्स हैं. पांच पांच वर्ड तीनों को बताने हैं, चारों को. चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड से आप कहीं से भी ढूंढिए. आर्टिकल इमरान आपका देयर को ढूंढना है, नीटा आपको दास का ढूंढना है, और दीका मारिया ओ मरियम्मा एंड जानिया आपको ढूंढना है. फाइन. ये वाली बुक से ही करना है ना? इसकी जो सेकंड बुक है यूबुंग्स बुक, ये वाली बुक से. और आपको मिलेंगे वो वोकैबुलरी वाला पेज जो है ना वहां पे मिलेंगे. ये यहां पर मिलेंगे ये वर्ड्स. ठीक है और आपको मीनिंग भी बताना है उनका. फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का दोनों का मिक्स होना चाहिए. फाइव फाइव वर्ड्स.
सर ये डिक्शनरी कौन सी जगह है? dig.cc सीसी में ढूंढना है यार. आप ये बताइए, आपको इनका मीनिंग नहीं पता? dig.cc वर्ड है. ओके जानी, आपके पास बुक नहीं है क्या अभी? नहीं सर, कौन सी बुक है मेरे को तो ये भी नहीं पता यार. आपने मुझे याद भी नहीं दिलाया, सॉरी यार, आपने मुझे याद भी नहीं दिलाया. ये वाली बुक है, ठीक है, मैं आपको आज अभी सेंड करूंगा, जस्ट पिंग मी, ओके, ऑन व्हाट्सएप, ठीक है. हाँ आप एक बार यहाँ से भी हेल्प ले लीजिए. देखो आप ये वर्ड लिख लीजिए, ये वाले, दी ईमेल एड्रेस, दी हांडी नंबर, दी टेलीफोन नंबर, हमने क्लास में करे थे, आर यू रिमेम्बर? यस सर. या प्लीज डू. जानिया, हैव यू रिटन? यस सर. ओके नेक्स्ट आप ये वर्ड ले लीजिए, आई विल टेल यू. आप लीजिए वाली सेकंड चैप्टर में से, ठीक है. हाँ जो हमने कर चुके हैं. आप एक वर्ड लीजिए, दी लॉयटा, ठीक है. लॉयटा मीन्स होता है पीपल, हमने जो करा है वर्ड. और आप एक वर्ड लीजिए, दी हॉबीज, एस लगा देना, हॉबी में एस लगा दोगे ना तो दी हो जाएगा वो. ओके या प्लीज डू एंड लेट मी नो. ओके सो इमरान, यू प्लीज फर्स्ट आप बताइए कोई पांच वर्ड. सर देर नाम, देर नामा, 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 व्हाट, देर नाक नामा, या नेम सर, देर नाक नामा, नाक नामा, नाक नामा मीन्स फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सर, लास्ट नेम, लास्ट नेम, नाक नामा लास्ट नेम. ओके नेक्स्ट देवर, what, their four nama, four nama, four, four sir, four, four nama, four nama means होता है first name guys. आप सभी लिख रहे हो first name. okay last first name. next three हो गए buddy, very good. their text, spelling, text, text. okay next. जो मरियमा आपका था, सर मेरा था, नहीं सर मेरा था, डांस मेरा था. बताइए. मैंने किया है उसका फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा है दास म्यूजियम, द म्यूजियम. सेकंड दास स्विम, स्विम, स्विम बाय द स्विमिंग पूल. थर्ड वन दास क्रैंकेन हाउस, द हॉस्पिटल. फोर्थ वन दास रेस्टोरेंट मीन्स रेस्टोरेंट. फिफ्थ वन दास सेमिनार मीन्स सेमिनार. सिक्स दास वॉकेन, वॉकेन डी द डे ऑफ द वीक. सेवन दास फॉर्म्यूलर मीन्स द फॉर्म. एट दास वाटर बुच मतलब द डिक्शनरी. ओके आप दोनों को दी, डी का बताना है मरियम एंड जानिया को. बताइए. सर दी स्क्विड्स, सो द स्विट्जरलैंड. स्विस, एस सी एच डब्ल्यू हार्टवेज ट्वाइस. फिर दी ईमेल एड्रेस ही सर, दी ईमेल एड्रेस. ओके
Okay, next. The person. Okay. Next. The sprache. Sprache. Okay. Wait. Jania, next. The handy numer. Okay. Handy numer means? जो मोबाइल फोन होता है उसका नंबर जो हैंड में मतलब जो पॉकेट्स वगैरह में आ जाता है हैंड फोन ओके नेक्स्ट वर्ड दी टेलीफोन नंबर नेक्स्ट दी लॉयटर ओके लॉयटर मींस पीपल वेरी गुड नेक्स्ट दी हॉबीज Hobbies. Very, very good. Next, हम करते हैं. Guys, everyone, is it clear? Imran, Neeta, Mariamma, Janya, is it clear? Yes, yes. Okay, very good. Next, आपको करना है. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है. ओके गाइस आपको सभी को ये सारा रीड करना है आ बे से डे ठीक है इस बिन जब आप इसे रीड करोगे ना आपको एक नाम इसमें से दिखेगा एक तो इसका दिखेगा इसका अगर ये टैक्सी की बात बोलें तो इसका नेम आपको लिखना है अगर ये स्टूडेंट इन की बात बोलें आपको इनका नेम लिखना है यहाँ पे लिखना है ठीक है जब आप इसे रीड करोगे ना तो आपको टेक्स्ट समझ में आ जाएगा ये किसके बारे में है ओके तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसका नेम लिखना है इज इट क्लियर और नॉट और आपको dig.cc की हेल्प लेनी है इसमें और कल हमारी जो क्लास होगी यहाँ से स्टार्ट होगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर जो कल क्लास में ये नहीं करके लाएगा वो क्लास अटेंड नहीं करेगा ओके आई एम सो सॉरी फॉर दैट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ओके जानिया मरियम्मा नीता एंड इमरान इज इट फाइन जब आप इसको अच्छे से क्लियर होगा ठीक है नेक्स्ट आपका आता है गाइस चैप्टर नंबर सेकंड ओके सो वेयर इज माय पेन या Guys, have you done this? ये डे हमने होमवर्क में दिया था मैंने नहीं ओके बाकी है सर ओके हाँ यहाँ से आपको करना है ठीक है गेहन वियर इन स्कीनो आपको क्या करना है इसमें आपको यहाँ पे लिखना है मोंटाग डीनस्टाग ऐसे ही आपको सारे फिल करने हैं इज इट फाइन और नॉट ओके सर ओके आरबाइट स्टागा मींस होता है वर्क डे आरबाइट स्टागा मींस वर्किंग डे या वर्क डे वोखनेंडा मींस होता है वीकेंड क्या होता है गाइस क्या होता है वीकेंड आपको जो भी आपके वर्किंग डे है आपको यहाँ पे लिखना है जैसे मोंटाग डीनस्टाग मिटवॉक आपके जो भी वीकेंड डेज हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं इज इट फाइन एवरीवन यस सर जानिया आई विल सेंड यू द पीडीएफ आप आज ही प्रिंट आउट ले लोगे इफ पॉसिबल ठीक है आप एक बार मुझे पिंग कर देना व्हाट्सएप पे अगर मैं नहीं सेंड करता हूँ आपको ओके नेक्स्ट है आपने बचपन में क्या होगा ये क्या है आपका दिस वन थिएटर सर थिएटर थर्ड नंबर पे आपको क्या लिखना है टी एच ओके आपको ऐसे फिल करना है इसमें इज इट फाइन यस सर आपका ये हाउस ऑफ गाबा है गाइस ओके
Imran, beta lesson ji 4b. Please read. Sir, Imran ji, waj makhan di parjohan. Yeah. Sir, ji an. Croissant ji an. Croissant ji an. Croissant ji an. Sir, isko listen karna hai aur isko match karna hai sir. या वाज माखन की पर्सन क्या कर रहे हैं पर, माखन मीस होता है टू डू क्या होता है क्रॉसन मीस होता है टू क्रॉस आपको क्रॉस करना है फॉर एग्जांपल जी गेहन आम फ्राइटाग इन स्कीनो ठीक है आपको ऑडियो सुनना है और फिर आपको करना है गाइस आपके पास 2 मिनट्स है आप इसे रीड करिए देन वी विल स्टार्ट ओके Once done, so let me know. Guys, done? Yeah, sir. Done. Yes, sir. Okay. So, I will play the audio. Just give me a minute. ओके आई विल प्ले ठीक है फर्स्ट मैं प्ले करता हूँ Eins. Gehen wir ins Café? Ja, gern. Wann? Heute. Nein, das geht leider nicht. Am Freitag? Ja, das geht. Nita, mute yourself. I will play second audio. Okay. Zwei. Gehen wir ins Theater? Ja, gern. Wann? Am Freitag. Nein, das geht leider nicht. Ich habe am Freitag nicht frei. Und am Samstag? Ja, das geht. Gut. Okay. Third audio. Drei. Gehen wir am Samstag ins Schwimmbad? Ins Schwimmbad? Nein, ich schwimme nicht gern. Okay. Gehen wir ins Fußballstadion? Ja, super. Wann denn? Wann ist das Spiel? Am Sonntag. Ja, das geht. Das ist super. Should I play one more time, guys? Yes, sir. Okay, I will play. First audio. Eins. Gehen wir ins Café? Ja, gern. Wann? Heute.
Nein, das geht leider nicht. Am Freitag? Ja, das geht. Second audio. 2. Gehen wir ins Theater? Ja, gern. Wann? Am Freitag. Nein, das geht leider nicht. Ich habe am Freitag nicht frei. Und am Samstag? Ja, das geht. Gut. Next audio. 3. Gehen wir am Samstag ins Schwimmbad? Ins Schwimmbad? Nein, ich schwimme nicht gern. Okay. Gehen wir ins Fußballstadion? Ja, super. Wann denn? Wann ist das Spiel? Am Sonntag. Ja, das geht. Das ist super. Guys, done? Yes, sir, done. Yes, sir. Okay, this is 50. Yeah, okay. So, first one, answer. So, in cafe or cafe Friday? Jania, you tell. Cafe or Freitag. Okay. Nita and Imran. Yes, sir. Samstag in theater. Samstag in theater. First ka answer batana, first ka. First ka, Freitag in cafe. Okay, answer is Freitag in cafe. Very good. Second ka answer, everyone. Theater Samstag. Theater Samstag. Okay, very good. Third one. Sir, stadium, Sonntag. Everyone, is there any doubt? No, sir. No, sir. Swimbad likha tha sir maine to. Nahi nahi. Yaar, usne mana kiya tha na uske liye. Haan, uske liye mana kiya tha. Baad mein mana kar diya. Haan. Agar aap nist bol rahe hain na, is nist matlab hota hai not. तो आप इस चीज को भी ध्यान रखोगे, ठीक है गाइस? मिस्ड मतलब होता है नॉट. ओके, नेक्स्ट आता है आपका. ओके, आपको क्या करना है, डायलॉग कंप्लीट करना है. क्या करना है? डायलॉग कंप्लीट करना है. ठीक है, मैं बता दूं कैसे करना है. ठीक है, देखो, नेक्स्ट मरियम्मा जस्ट रीड से. Ordinance the dialogue in Rhine Henfolge Numerarian Z. Okay, meaning? So to order the dialogue in and to read in sequence number. Very good. Like आपको dialogue order में लगाना है, रिस्टिगा sequence, right sequence में, और numbering देनी है. For example, कोई जैसे first ये वाला dialogue आया, आपने पूरा read करा, second पे ये आया, third पे ये आया, fourth पे ये आया, fifth पे ये आया, ऐसे करके. Is there any doubt? No sir. Okay, आपको ये घर से करना है. House of Gaba ए एंड बे आपको घर से करना है, ठीक है. नेक्स्ट आपको एवरीवन एक एक करना है. इमरान ये आपको करना है, नीटा ये आपको करना है, जानिया ये आपको करना है, मरियम्मा ये आपको करना है अभी, ठीक है. मैं बता देता हूँ, सबसे पहले वर्ब आएगी, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस डे आएगा जिस दिन जाना चाहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है. ये सिक्वेंस होना चाहिए एवरीवन, ठीक है. पहला मैं आपको बता देता हूँ, वियर आम डीनस्टाग इन म्यूजियम गेहन, और क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन पूछा है. पहले वर्ब आ गई गेहन, सब्जेक्ट वियर. मैंने आपको बताया था डेज के आगे आम लगता है, आम डीनस्टाग, और कहाँ जाना है, इन म्यूजियम के अंदर. वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, डे आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया. एवरीवन इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर.
please do let me know, then we will go ahead. Okay, Imran, Nita, Janyan, yes, first letter likh diya sabka. Yes, please. Yes, sir, isme aayega Lauren. What? Sir, Lauren, L-E-R-E-N-E-T. Okay. Sir, verb mein T lag jayega na sir. Verb mein. Haan, very good, very good. Okay, ear hai na. Wait. Land ear, then aega am it walk third number pe. Am it walk. And Deutsch, fourth number pe. Everyone, is it clear? Yes. Okay. आप सभी ने कर लिया? नीता मरियम जानिया? Yes sir. Yes sir. Okay. नीट या वेट वेट इमरान म्यूट योरसेल्फ. नीता सेकंड वन. मेरा तो थर्ड वन था. अरे यार एन लिखा तो है. नीता कौन है यहाँ पर? नीता. हाँ सर मतलब वो थर्ड है सर. हाँ सर यार थर्ड नंबर. फोकस डू एन डॉन्ट स्टार्ट स्प्रेडिटी. वेरी गुड. बट इसे ना कॉक्स्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉक्स्ट सर. तो उसमें ऐसी ई एन निकाल के एस टी लिखना है ना. वेरी गुड. ई एन में ही चेंज होगा हमेशा. ओके गाइस कॉक्स कॉक्स डू आम डोनस्टाग थर्ड नंबर पे. फोर्थ नंबर पे स्पागेटी. ओके गाइस फोर्थ वन जानिया. जॉगन वियर. वेरी गुड. अब सबको क्लियर है आई थिंक. सेकंड और थर्ड नंबर पे ये स्पागेटी क्या होता है थर्ड वाले में? स्पागेटी यार एक खाने का कुछ इनकी डिश रहती है. मैं आपको दिखा देता हूं. मिल जाती है तो आप स्पागेटी कुछ ऐसा होता है नूडल टाइप. ठीक है. ओके वेरी गुड. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन फ्यून सर. या मरियम्मा सर. कॉमस्ट. यार कॉमस्ट नहीं होता कॉम्स्ट होता है. बोलिए कॉम्स्ट. कॉम्स्ट. Coms do arm samstag against cafe. Very good. Guys, is there any doubt? No, sir. No, sir. Okay, ये आपको घर से करना है. House of Gaba. ठीक है. Next आ जाता है mine beroof. Mine beroof means? My profession. My occupation. Occupation. Very good. हाँ तो आपको क्या करना है सब में आर्टिकल लिखना है डिक डॉट सीसी में देख कर. फॉर एग्जांपल दास आउटो देयर कंप्यूटर. ऐसे करके आपको मीनिंग अपनी नोटबुक में लिखने हैं और आपको सबका आर्टिकल लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट आता है जीवन आ. जीवन आ में आपको क्या करना है सेम अगर आर्ट्स का आर्टिकल क्या होता है देयर तो आपको देयर यहाँ पे लिखना आर्ट्स लिखना है. यहाँ पर सब सिमर का आर्टिकल होता है दास. सिमर आपको दास इसमें लिखना है. इसके अंदर टेबल एक टेबल है यहाँ पर. ओके गाइस. ओके सर. नेक्स्ट नेक्स्ट आपको ये. हाँ ये आपको अभी नहीं करना बे नहीं करना. आपको ओनली यहीं तक है आपका बस आज. ठीक है. अब आप मेरी एक बात सुन लीजिए. ये तो मैंने होमवर्क बोलिए कल करके भेज सेंड कर दिया था सर मैंने होमवर्क पे. वेरी गुड बडी. आप रिवाइज कर लेना सारा कुछ. वो क्लास वो अच्छे से वो नहीं हुई थी रिकॉर्ड तो मैंने किसी और की आपको सेंड करी थी क्लास. एक्चुअल में यू प्रॉब्लम हुई थी. ठीक है. नहीं सर एक्चुअली रिवीजन के लिए बेटर है कि हमारी क्लास से शेयर कीजिए हमें. मैं आपको बता देता हूँ यूट्यूब पर सेकंड चैप्टर ऑलरेडी डल चुका है. अगर आपको लगता है कि मैंने सारा होमवर्क कर लिया है आप वहाँ से एडवांस पढ़ के आ सकते हो. नो डाउट यहाँ पे भी वही चीज होगी. वहाँ पर भी वही होगी. आप वहाँ पे रिवाइज करके आ सकते हो अगर आपको कभी छूट जाता है. सेकंड आप जो सारा होमवर्क है आपको सबको फोटो भेजना है उसका एवरी डे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो नहीं भेजेगा उसको रीज़न देना पड़ेगा. ओके थर्ड इज कभी भी टेक्स्ट हो सकता है आपका. टेस्ट टेस्ट हो सकता है कभी भी आपका. कौन से वाले?
वोकैबलरी का इसका टेस्ट हो सकता है आपका, ये जो वोकैबलरी का पेज होता है ना ग्रे वाला पेज, जानिया मैं आपको भेज दूंगा आज, ठीक है? आपको सबका मीनिंग लिखना है यहाँ पर, ठीक है? मैं कभी भी ले सकता हूँ, आप ये नहीं बोलोगे सर आपने नहीं बोला। थर्ड फोर्थ इज अगर मैं आपको फोटो भेजता हूँ तो आपको सेम डे टिल 12 o'clock तक नाइट तक आपको उसे सेंड करना है, ठीक है? एवरी वन इज इट फाइन और नॉट नीटा मरियम इमरान जानिया ओके सर ओके थैंक यू सो मच दास इज आलिस फील एंड डांग चूज अगर आपका कुछ डाउट है अभी पूछ सकते हैं मेरे से सर इसमें मीनिंग लिखना है जो आपने बताया डी ऑटोबान सबको सबको आपको मीनिंग लिखना है फ्लैश हमीस होती है बॉटल ऐसा करके ओके सर ओके आपको सबका मीनिंग लिखना है ठीक है और आपको डेली याद करने हैं वर्ड्स ओके सर थैंक यू सो मच गाइस दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड ट्यूस आउ विडर्स इन यस सर बिस्बाल सर ट्यूस सर